मल्लाम स्वामी, परिमल सचिव, अखिल भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी यूनियन। हमारे यहाँ 4/12 को भूख हड़ताल है एक दिन की, जो केंद्रीय आह्वान पर की जा रही है। हमारी मुख्य मांग है ग्रामीण डाक सेवक को नियमित किया जाए और सात और वेतन आयोग में शामिल किया जाए। हम बराबर संघर्ष कर रहे हैं, पर सरकार इस ओर कोई नहीं ध्यान दे रही है। सरकार की जो भी योजनाएं आ रही है, सुकन्या योजना आ रही है, एक तरफ सुकन्या कर रहे हैं, दूसरे तरफ हमारा जो शोषण हो रहा है, सरकार का बहुत बड़ी नीति सही नहीं है। और हम आगे 10 तारीख को हमारे डाक भवन के सामने धरना है, और इस बाद में हमारे हर जिले वाइज हम प्रोग्राम रखेंगे, प्रत्येक सांसदों को ज्ञापन दिया जाएगा, ताकि ग्रामीण डाक सेवक जब तक हम नियमित नहीं किया जाएगा, सातों वेतन में शामिल नहीं किया जाए, तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और उसके बाद में भी यदि सरकार नहीं ध्यान देगी तो विधानसभा के सामने हमारा धरना रहेगा, जहाँ भी जो लोकसभा के सामने फिर हमारा प्रोग्राम रहेगा। और काफ़ी दिनों से हमारा संघर्ष है, और जो ग्रामीण डाक सेवक जितनी भी योजनाएँ सरकार की आ रही है, सुकन्या योजना, 1 करोड़ से भी ज़्यादा ग्रामीण डाक सेवक ने काम करके दिखाया सरकार को पैसे, फिर भी सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। एक तरफ तो सरकार विकास की ओर बढ़ रही है, दूसरी ओर ग्रामीण डाक सेवक शोषण कर रही है, वो शोषण करती आ रही है। ये हमारी मुख्य मांग है और नियमित किया जाए ग्रामीण डाक।